आदम नाजरीन आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाकत पर हमारी पहली नज़र और दिन भर में हम पहली नज़र जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के हर के केपोरा गाँव में आज सुबह हुए एनकाउंटर पर ही डालेंगे पहली नज़र और ये बड़ी ख़बर इस साल की चूँकि आज की इस बड़ी ख़बर में पहली बड़ी ख़बर जो सुबह चार बजे के करीब हर की पूरा के पोरा के गांव का मुहासरा फौज और फोर्सेस ने किया और इस मुहासरे में फौज और फोर्सेस का कहना है कि इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी उन्हें हासिल हुई और इस कामयाबी में लश्कर तयबा का सबसे मोस्ट वांटेड ए प्लस प्लस कैटेगरी का मिलिटेंट अबू दुजाना अपने साथी फारत ले के साथ मारा गया और इस एनकाउंटर के दौरान फोर्स की गोली लगने से एक मुकाम शहरी भी जान हुआ और यहां पर इतना पुलवामा के इस मकान में मिलिटेंट मौजूद हैं इस मकान का घेराव बताया जाता है किया गया और घेराव के बाद यहां गोलीबारी हुई और गोलीबारी के इस्तेमाल के दौरान मकान पर बारूद भी लगाया गया और मकान को आग भी लगाई गई और इस कार्रवाई में लश्कर के कमांडर अबू दुजारा और आरिफ ललहारी हलाक हुए और मकान भी पूरी तरह से तबाह होकर रह गया जिस मकान में ये मिलिटेंट मौजूद थे और इस हलाकत के फ़ौर बाद पूरी वादी कश्मीर में तनाव की सूर्ताल देखने को मिली जनूबी कश्मीर में फ़ौर इसके फ़ौर बाद ख़बरें आना शुरू हुई कि मुजाहरे हो रहे हैं और इन्हीं मुजाहरों के दौरान पता यही चला कि लश्कर तयबा का सबसे बड़ा कमांडर चीफ कमांडर अबू अबूदुजाना जो कि पाकिस्तान के गिलगत का रहने वाला था पिछले सात सालों से जम्मू कश्मीर में एक्टिव था और साउथ कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर तक अबू दुजाना काफ़ी सरगर्म था अब तक कई बार फोर्सेस के हाथों निकल चुका था और 30 लाख का इनाम भी इसके सर पे था फोर्सेस की तरफ से और अबू दुजाना आज लगातार पिछले दिनों करीबन पाँच दिन पहले ही अबू दुजाना एक मुहारे में आया था लेकिन वहाँ से भी निकल गया था लेकिन आज आ, से नहीं निकल सका और आज उनकी हलाकत का वाक़ा पेश आया यहाँ पे सूरथ्याल काफ़ी कशीदा हुई और इसी कशीदा सूरथ्याल के दौरान और हालात को देखते हुए और मुमकिन एहत और संगवारी के पेश नज़र शूबाई इंतजामिया ने पहली फुर्सत में इंटरनेट सहूलियात मतल रखी और इसके साथ साथ कॉलेजों स्कूलों में छुट्टी का ऐलान भी किया हसास मकाम पर फोर्स को मुखरक रखा गया और इस सारी सुताल के दौरान मुजाहरों की खबरें आना शुरू हुई और आपको बताते चले कि अलहदगी पसंदों ने कल कश्मीर में बंद की कॉल भी दी है और आज सुबह जब ये इनकाउंटर हुआ तो फौज और पुलिस ने इसकी तस्दीक करते हुए पहले किसी ने तस्दीक नहीं की जानना चाहते थे कि वाकई में ये अबू दुजाना ही मारा गया है और उसके बाद फौज के पंद्रह कोर के कमांडर कोर कमांडर और उसके साथ साथ आईजी कश्मीर ने एक मुशतरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फौज और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और अबू दुजाना मारा गया है जबकि आरिफ भी फौज और लुल्हारी मुनिर अहमद खान ने बताया कि वो भी एक बड़ी कामयाबी है और वो काफी वक्त से सरगर्म था और वो बैंक लूटने और उसके साथ साथ राइफल स्नेचिंग और सरपंचों को मारने में भी मुलाविस था the And one was Abu Dujana and the other one was uh, Arif. So it was a clean operation, but for civilian casualty of Firdos Khan of Begamba and around five to six injured uh, pallet injuries and two bullet injuries. Initially, as it happens, in spite of our warnings and in spite of our requests, the people. On the behest of Milton, I have been repeating it in every press conference, and let the security forces do their job. These things won't happen. I, I'll take this opportunity and again appeal to the people because the operations will carry on. Pelting or no pelting, disruptions or no disruptions, the operations will go on. Whenever we get information of militants, armed militants rather, in a, a house or in any area, the operations are to be launched. And yes, we we are trying that they surrender. But if they don't surrender and they start firing on the forces, the only reply is to retaliate. That's what is being done. And, and co-commander has already mentioned about the activities, nefarious activities of RF weapon snatching looting then killing of serpents if you remember there was a killing of serpents